हरियाणा के ठियोग में भूस्खलन के चलते NH5 तीन दिन से बंद है और अभी एक सप्ताह तक बहाल होने की उम्मीद नहीं है। अपर शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 बहाल न होने के चलते अगले कुछ और दिन तक शिमला और किन्नौर जिले के लोगों का शिमला आना जाना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, तो वहीं प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। मशहूर पर्यटन स्थल नारकंडा, चांशल, हाटू और शिलारू आने वाले टूरिस्ट इन पर्यटन स्थलों का रुख नहीं कर पाएंगे। वहीं PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठियोग में नेशनल हाईवे और बाईपास रोड का निरीक्षण किया और विभाग को एक सप्ताह के भीतर यहां वैली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एक महीने के अंदर डंगा का कार्य पूरा होने के बाद सड़क को पूरे तरीके से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विकास कार्यों का निरीक्षण हम खुद कर रहे हैं और समय पर कार्य पूरा हो इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है। रिपोर्ट पंजाब की।